बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नेशनल बैंक के अंदर GBO और G3 की जॉब्स आई हुई हैं। आज मैं एक चैनल के ऊपर कमेंट पढ़ रहा था, अपने ही चैनल के ऊपर किसी व्यूअर का। उन्होंने पूछा कि GBO का जो कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस है उसके ऊपर एक वीडियो बना दें ताकि डिटेल पता चल जाए। सो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बैंक में जॉब कर रखी है, सो इसके हवाले से थोड़ा सा मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले GBO स्टैंड फॉर जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जिसका पे स्केल जो है वो बैंकिंग के अंदर OG3 होता है। अब बैंक के अंदर ये पे स्केल्स हैं, OG3 की नॉर्मली जो सैलरी है पहले तो कम होती थी, लेकिन क्योंकि स्टेट बैंक ने अपनी पॉलिसीज़ को काफ़ी रिवाइज़ किया है महंगाई की वजह से, मुख्तलिफ तरह के अलाउंसेस जो हैं वो बैंक एम्प्लॉज़ को भी मिलते हैं। सो OG3 की जो सैलरी है वो तकरीबन 40+ में चली जाती है अलाउंसेस डाल के। बाज़ बैंक जो प्राइवेट बैंक हैं वो इससे ज़्यादा भी देते हैं, नेशनल बैंक ज़रा कम देता होगा। सो जनरल बैंकिंग ऑफिसर का जो काम है वो कैश से बाहर होता है, कैश में इसका कोई काम नहीं होता है। जनरल बैंकिंग ऑफिसर जो है वो चेक से, रेमिटेंसेस से डील करता है, वो चेक जो कि जिनकी कैश में पेमेंट नहीं हो सकती, जो कि सिर्फ पे ही के अकाउंट में ट्रांसफ़र होने होते हैं, तो वो यानी डिपॉजिट होने होते हैं बेसिकली, उनकी कैश ट्रांसफ़र सॉरी कैश पेमेंट नहीं हो सकती, वो वाले चेक से डील करता है। रेमिटेंसेज होते हैं, उसके अलावा ट्रांसफ़र्स होती हैं, बाकी बैंक्स जो होते हैं किसी और बैंक का चेक है वो आपके पास आता है, क्लियरेंस वगैरह का जो काम है वो इस ड्यूटीज़ के अंदर आ जाता है। बाकी बैंकिंग ब्रांच पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या क्या काम मजीद असाइन कर देते हैं। बाकी ATM कार्ड्स इशू करना, चेक बुक्स वगैरह, ये सारा भी जनरल बैंकिंग ऑफिसर के काम के अंदर ही आ जाता है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं नेशनल बैंक के अंदर, ये सीटें जो हैं वो नॉर्मली आती रहती हैं, हर साल भी आती रहती हैं। जैसे जैसे उनके पास वैकेंसीज़ खाली होती हैं वो एडवर्टाइज़ कर देते हैं, सो नंबर ऑफ़ सीट वो कभी शो नहीं करते, लेकिन उनको पता होता है बैक एंड पे, उनके पास एक लिस्ट होती है कि उन्होंने कितने बंदे हायर करने। नेक्स्ट बात करते हैं इसके हायरिंग प्रोसेस के हवाले से। सबसे पहले इसका ऑनलाइन अप्लाई होता है, कोई इसकी फ़ीस नहीं होती, आपको पे करनी पड़ती, कोई फ़ीस नहीं होती, नेशनल बैंक की वेबसाइट से आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि इसका हायरिंग का प्रोसेस शुरू जो होता है, आपको एक मैसेज आएगा और आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन असेसमेंट होती है, वो 60 मिनट का टाइम होता है, आपके पास 60 क्वेश्चन होते हैं, और उसके अंदर कोई कैमरा वैमरा ऑन नहीं होता। आप लोग चीटिंग भी करते हैं वैसे, नॉर्मली करनी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, आप अपने उस पर दें। और पास पेपर जो हैं वो वैसे मैंने इससे पहले जो कंडक्ट हुआ नेशनल बैंक के, वो मैंने टेलर की पोस्ट के लिए, GBO की पोस्ट के लिए, वो मैंने वैसे वीडियोज़ डाली भी हुई हैं, क्वेश्चन आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। सिंपल पेपर होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। रिटन टेस्ट के बाद नेक्स्ट इसका फेज़ आता है, अगर आप टेस्ट क्लियर करते हैं तो नेक्स्ट इसका फेज़ है ग्रुप डिस्कशन का। ग्रुप डिस्कशन का जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको ईमेल कर दी जाती है और उनको टॉपिक बता दिया जाता है कि ये आपका टॉपिक है इस पे, यानी कि या इसके फेवर में या इसके अगेंस्ट, वो आपको बता दिया जाता है कि आपने इसके फेवर में बोलना है या अगेंस्ट बोलना है। उसके हिसाब से आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है ग्रुप डिस्कशन में, जूम पे होती है वो ग्रुप डिस्कशन, सारे के सारे कैंडिडेट्स मौजूद होंगे जूम पे, और बारी बारी सबको आपको रोल नंबर असाइन होगा, रोल नंबर वाइज आपको कहा जाएगा कि आप यानी इसके फेवर में या इसके अगेंस्ट, जो भी आपको टॉपिक असाइन किया गया उसके आपने बोलना है। 2 मिनट का टाइम होता है नॉर्मली, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और आपके जो पॉइंट्स आपने कलेक्ट किए हैं, 2 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना बोल सकते हैं, तो जो पॉइंट आपने कलेक्ट किए हैं वो वैलिड होने चाहिए, यानी उसके अंदर लगा लें कि इतनी एबिलिटी हो कि अगला बंदा आपके पॉइंट से एग्री कर सके। सो नेक्स्ट फिर आ जाता है, अगर आप ग्रुप डिस्कशन में क्लियर कर जाते हैं तो फिर नेक्स्ट इसका इंटरनेट यानी कि जूम के ऊपर ही, यानी ऑनलाइन ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। आपको ईमेल दोबारा से आ जाएगी कि आपने ग्रुप डिस्कशन की जो फेज़ था उसको क्लियर कर लिया, नेक्स्ट आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा वो भी ऑनलाइन ही होता है, वो ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं होता। वो इंटरव्यू पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है किस तरह का इंटरव्यू होता है बेसिक, जो फ्रेश कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कोई ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चनिंग नहीं होती। इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू के बाद फिर आपको मेल आती है, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर आपको मेल आती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं, वो भी आपने थ्रू ईमेल ही भेजने होते हैं स्कैन करके। उसके बाद फिर आपको फाइनल जो है ऑफ़र लेटर इशू कर दिया जाता है, और आपको आपकी जो रिपोर्टिंग डेट है और रिपोर्टिंग टाइम वगैरह, कहाँ पे आपने रिपोर्ट करना है, वहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि आपने फ़लाँ जगह पे आ जाना है। सो ये इसका एक कंप्लीट हायरिंग का प्रोसेस है। इसका ऑनलाइन टेस्ट है, फिर ग्रुप डिस्कशन है, फिर इंटरव्यू है, देन फाइनल सिलेक्शन है। ये था, मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से GBO की पोस्ट के हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।